हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में, मैं आपको सिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स का चैप्टर परसेंटेज। और परसेंटेज चैप्टर सीखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि मैथमेटिक्स भारी है, आप 15 से 20 दिन के अंदर पूरा मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। इसके लिए हमारा ऑनलाइन कोचिंग है स्मार्ट वीडियो कोचिंग मोबाइल एप्लीकेशन, इसके बारे में डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर, और हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, इस तरीका को आप जान करके आपको लगेगा कि अरे यार मैथ इतना आसान है। तो आइए दो तीन ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिससे कि आपकी मैथमेटिक्स इतनी डिफिकल्ट हो गई है, या फिर 90% स्टूडेंट को लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत भारी है। ऐसा भारी बिल्कुल भी नहीं है, बस अपने अंदर 3 या 4 सोच को डेवलप करना है और वैसे गलत आते जिसको कि आपको निकालना है अपने मन के अंदर से, फिर आप पूरा मैथमेटिक्स आसानी से बना सकते हैं। और आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं परसेंटेज। परसेंट चैप्टर भारी नहीं है, बहुत आसान है। परसेंट चैप्टर भारी नहीं है, बहुत आसान है। आइए हम आपको अपने वादे के मुताबिक आपको बताता हूँ कि वैसा कौन सा चीज़ है जो आपकी मैथमेटिक्स को इतना डिफ़िकल्ट बनाती है। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में सबसे पहले जाइए अपने फ्लैशबैक में, अपने बचपन में, तो आपसे जो कुछ भी जो कोई भी मिलता था आपको बताता था मैथ बहुत भारी है, चाहे मैथ का टीचर हो या आपके पेरेंट हो या आपकी आपके आस पड़ोस के आपके जानने वाले हो, रिलेटिव हो या फिर दोस्त हो, जिधर देखते होइएगा आप, भले ही आपके लिए मैथ आसान हो लेकिन आप जिस भी स्टूडेंट को देखते होइएगा लगता हो कि यार यार उसका मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा उससे, या फिर मतलब कि आपका अच्छा था लेकिन और सबको देखते उसका बहुत भारी था। ये सब देख देख करके आपके मन में ऐसा बैठ गया कि भले ही आपने आसान बनने अपने लिए लेकिन उन लोगों के लिए बहुत भारी था, इसलिए आपको भी लगने लगा कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत भारी है। और जैसे ही आपके मन के अंदर में किसी तरह की निगेटिव भावना आई फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपको लगे कि हाँ सच में वो सब चीज़ें भारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी भारी नहीं है, बहुत आसान है। अब दूसरी चीज़ कि मैथमेटिक्स सीखने का जो जीरो लेवल होता है वो आपको आज तक किसी भी टीचर ने आपको नहीं सिखाया कि जीरो लेवल है क्या, या फिर आपके मन को आज तक किसी टीचर ने ऐसा समझा ही नहीं कि वो टीचर जिस तरह से बताया और स्टूडेंट उस चीज़ को सीख गया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आपके साथ में, तो इसलिए आपको लगा कि चलो यार मैथ बहुत भारी है। लेकिन हमने एक ऐसा तरीका खोज के निकाला मैथमेटिक्स को बनाते हुए मैथमेटिक्स को बनाने के लिए स्टूडेंट को, ताकि उसको रिजल्ट के लिए सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। और तो मुझे पता चला कि मैथमेटिक्स के दुनिया में, कॉम्पिटिटिव दुनिया में जो टीचर्स होते हैं वही लोग जो मैथमेटिक्स को बहुत डिफिकल्ट बना दिए हैं, क्योंकि उन लोगों को जो लोग पढ़ाते हैं वो ज़्यादा समय तक पढ़ा पाएंगे तभी तो उनको ज़्यादा पैसे मिल पाएगी, और स्टूडेंट उनके साथ बंधे रहे इसलिए वो 6 महीने के कोर्स को साल भर कर लिए, साल भर कोर्स को 2 साल कर लिए, और स्टूडेंट को उनके साथ में फंसा रहा, स्टूडेंट का टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और बड़ी बात कि उनका जो है मैथ सीखने का जो रफ्तार है वो बहुत धीमी हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, आप 15 से 20 दिन के अंदर में भी पूरा मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, बस आप हमारी बातों को ध्यान रखिए। देखिए तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो है, जो चलता है, जो प्रचलन में, जो ट्रेंडिंग में है, वो चीज़ है ट्रिक। सभी लोगों को लगता है कि ट्रिक से मैथमेटिक्स बनता है, ट्रिक से मैथ को हमको बनाना चाहिए, बल्कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है, इसमें आपको ट्रिक से बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं। जो क्वेश्चन आपसे ट्रिक पे बनेगा वो क्वेश्चन आप मुँह जवानी बनाएगा, आँख पे पट्टी बांध करके बना सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से मैथमेटिक्स को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ये मैथमेटिक्स को सीखना। कोई भी ट्रिक यूज नहीं करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, बस हम लोग बेसिक चीज़ को जानेंगे, बस इसके परिभाषा में से ही फॉर्मूला निकालेंगे, बस लैंग्वेज को सीखेंगे, फिर आप पूरा मैथमेटिक्स को बना दीजिएगा। तो आइए हम एक लाइन लिखते हैं, इस लाइन के बारे में आप लोग जानिए कि पूरा मैथमेटिक्स को बनाने के लिए, अब मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर को बनाने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। परसेंट का इंट्रोडक्शन, अब परसेंट चैप्टर का लैंग्वेज, और तीसरी चीज होती है कैलकुलेशन। यही 3 ऐसी चीज है जिसको कि आप अगर फॉलो कर लीजिए तो आपके लिए पूरा मैथमेटिक्स बहुत आसान बन जाएगी। और यही सब चीज़ हम सिखाते हैं स्टूडेंट लोगों को, इतने साल में हमने ना जाने कितने स्टूडेंट को रिजल्ट दिलाया, और यही 3 की वजह से
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पूरा मैथमेटिक्स को सीख गए, उसको लगा ही नहीं कि मैथ पूरा भारी है। एक स्टूडेंट ऐसा भी था कि 4 दिन के अंदर में वो 10 चैप्टर सीख गया, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में वो 10 चैप्टर सीख गया स्मार्ट वीडियो कोचिंग में। तो आइए हम यही सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। और परसेंटेज चैप्टर में जिस तरह से न्यूटन्स, आइंस्टीन इतने बड़े से बड़े वैज्ञानिक हुए, वो लोग अपने लिए कोई ना कोई रूल बनाए, नियम बनाए, दुनिया के लोगों को दिया, फिर दुनिया ने उस नियम का न जाने क्या क्या चीज़ें बना करके आज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, JCB जो आप लोग देख रहे हैं उसको किसने बनाया? पास्कल का जो नियम था उस पर बना है ये JCB। पास्कल ने तो बस एक लैब में बैठकर एक छोटा सा नियम निकाला, उसको बताया दुनिया के सामने रिसर्च पेपर में, और जो इंजीनियर्स थे उस नियम का यूज करके JCB जितने बड़े मशीन बना दिए, उतना ज़्यादा इफेक्टिव, उतना ज़्यादा काम करने लायक। तो उसी तरह से मैं उन लोगों के जितना महान नहीं हूँ, लेकिन उसी तरह का मैंने भी कुछ ऐसा तरीका निकाला है परसेंटेज चैप्टर बनाने के लिए। तो आप हमारी बातें सुन लीजिए, ऐसा आप भी फील कर सकते हैं, मैंने किया फील तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं वो कौन सी बात है परसेंटेज चैप्टर को बनाने के लिए। वो आइए सबसे पहली जो बात है वो क्या है कि पूरा का पूरा कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%। क्या है पहला रूल, इसको आप ध्यान रखिए, कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%। कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आपको तो पहले से पता ही थी, लेकिन इसको याद करने की क्या जरूरत है। हाँ, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती 100%। मैथ के सभी चैप्टर में ये बातें लागू होती है। मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में ये सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती 100%। इसका कितना जगह पे यूज करते हैं, सिर्फ यही चीज़ का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बनाते तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आप माइंडली बना सकते हैं, 2 से 4 से 5 सेकंड के अंदर आप पूरा आंसर दे सकते हैं। कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%। अब देखिए दूसरा जो चीज़ है वो है 10% ज़्यादा। 10% ज़्यादा का मतलब, 10% ज़्यादा का मतलब क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे देखिए इस पहले लाइन का यूज करेंगे, कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में क्या होती है 100%। कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में तो वो हो गया कितना 100%। अब देखिए ज़्यादा मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा प्लस करना, उसमें अधिक करना, उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो 10% ज़्यादा मतलब कोई भी तो अपने आप में तो 100% पहले से है ही, 10% उसको ज़्यादा करना है, तो कितना परसेंट हो गई, प्लस 10% करना एक्स्ट्रा तो 110% हो गई। ये तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे 10% की जगह पर 20% रख सकते हैं, 50% रख सकते हैं, 100% रख सकते हैं, 250% रख सकते हैं, 1000% भी रखिएगा तो आप आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब बताइए इसी एग्जांपल के द्वारा 20% ज़्यादा मतलब 120%, 50% ज़्यादा मतलब 150%, x% ज़्यादा मतलब 100+x%। ये दोनों चीज़ का यूज आपको होगा। अब जो तीसरी चीज़ है वो आप देख लीजिए, तीसरी जो चीज़ है वो भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10% कम का मतलब। अब देखिए कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में तो होती है 100%, इसमें से 10% कम करनी है तो क्या होगी 90%। यही आपका जो 3 लाइन का जो नियम है जो आपको पहले से पता थी, इसी का यूज करके आप पूरा परसेंटेज चैप्टर तो कम से कम बना ही सकते हैं। और परसेंटेज पे आधारित टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें पहला प्रतिशत हो गया, परसेंटेज हो गया, दूसरा लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, तीसरा डिस्काउंट हो गया, चौथा पार्टनरशिप हो गया, 5वां सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और 6ठा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये आपका पूरा 6 चैप्टर जो है ये इसी रूल, यही जो 3 रूल है यही बना देगा, आपको एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये तीनों चीज़ याद हो गई होगी, अब इसी के दम पे आप पूरा परसेंटेज चैप्टर बना सकते हैं। आइए हम बहुत सारे क्वेश्चन को बनाकर आपको बताएंगे, और हम आपको बताएंगे भारी से भारी क्वेश्चन जो आपको देखते ही लगेगा कि यही नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन को भी हम मुंहजबानी बनाएंगे, आपके सामने बनाएंगे, माइंडली बनाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। अब देखिए अब हम परसेंट के में हम आए, तो इसका बस एक छोटा सा मीनिंग समझ लीजिए, परसेंट का क्या मतलब होता है।
प्रतिशत। प्रतिशत मतलब, प्रति मतलब होता है उल्टा, मतलब एक एक किसी का उल्टा, सत मतलब 100, यानी कि 100 का उल्टा, मतलब 100 तो सीधा में तो 100 है, इसका उल्टा करें क्या हुआ 1/100। तो यानी कि परसेंट चैप्टर अगर आप बना रहे हैं तो परसेंट का एक सिंबल होती है ये वाली। तो अब देखिए कहीं पर भी परसेंट चैप्टर बना रहे हैं, इक्वेशन में परसेंट का सिंबल है, इस सिंबल के बदला में 1/100 आप लिख सकते हैं। यानी कि परसेंट का जो सिंबल है उस सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100, या फिर 1/100 को आप परसेंट का सिंबल के रूप में डाल सकते हैं। सिर्फ इतना ही चीज़ है परसेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन के रूप में। इतना बात अगर आप ध्यान में आ गई होगी तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज चैप्टर में, सभी टाइप के क्वेश्चन को हम शुरुआत करें, भारी से भारी क्वेश्चन को उठाएं। अगर आपके पास भी परसेंटेज चैप्टर का भारी से भारी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर भेजें, फिर हम उसका सॉल्यूशन करके आपको आसानी से बता देंगे। और हर तरह के क्वेश्चन को हम बता रहे हैं इस वीडियो में, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं और फिर उसको हम सॉल्यूशन करके आपको हम बता रहे हैं। देखिए हम एग्जाम्पल ग्रुप में ये क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसको लगे कि जब बहुत भारी ही नहीं बनेगा। देखिए इस भारी से भारी क्वेश्चन को हम कैसे बिना किसी ट्रिक का यूज़ किए हुए बहुत आसानी से देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, समझिए, और यही इसका लैंग्वेज को समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। फिर अपने ज्ञान की मदद से, अपने वही जो इंट्रोडक्शन की मदद से आपको उसके लिए एक इक्वेशन बनाना है, फिर उस इक्वेशन को माइंडली सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक प्रदर्शनी में एक टिकट, प्रवेश टिकट का जो दाम था वो था 5 रुपये। टिकट के प्राइस को यानी टिकट के दाम को जब 20% कम कर दिया गया तो टिकट की बिक्री धनराशि बढ़कर के 44% अधिक हो जाती है। तो अब आप बताइए कि बाद में जाने वाले दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सुने सबके सर के ऊपर से निकल गया होगा। आपको समझ में आया कि कैसे बनाएं, कौन सा ट्रिक यूज करें, इसके लिए कैसे बनाएं। तो देखिए सबसे पहले सवाल होता है कि आप ही इसको इक्वेशन बनाना है, कोई ट्रिक लिखिए या फिर कोई फॉर्मूला लिखिए। ये सब क्या होता है, ये एक इक्वेशन का ही तो कमाल है, इक्वेशन ही तो होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, इसके लिए कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि कहां से शुरू करें नहीं करें। बस क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ते हैं, उसको एक कुछ लिखते हैं, सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं, फिर अगला लाइन पढ़ते हैं और फिर उसको लिखते हैं, और फिर जब हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी तैयार हो जाती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्या कहता है। एक प्रदर्शनी में, प्रदर्शनी मतलब एक मेला होता है, डिज्नीलैंड मेला होता है, जहाँ पे एंट्री फी के रूप में कुछ पैसे वसूला जाता है, या फिर आप एक सिनेमा हॉल मान सकते हैं, या फिर डिज्नीलैंड मेला तो आजकल हर छोटे बड़े शहर में एक न एक बार लगती है। तो उस मेला में जाने के लिए एक मेन गेट पे आपको कुछ पैसे देने पड़ती है, उसके बाद आपको मेला में अंदर जाइए, कुछ सामान खरीदिए या ना खरीदिए, लेकिन आपको उस मेला में जाने के लिए एंट्री फी के रूप में कुछ रुपये लगता है, कुछ टिकट का प्राइस लगता है। या फिर सोचिए कि स्टेडियम में जब मैच चल रही होती है तो वहाँ पे टिकट का प्राइस लगता है, तो वही जो टिकट का जो प्राइस था, एंट्री फी था, प्रवेश शुल्क था, वो था 5 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, 5 रुपये लिखे। अब देखिए 5 रुपये उस टिकट का प्राइस है, नहीं देख रही है, चलिए हम लिखते हैं इतना ही बड़ा, उसको जूम कर देंगे एडिटिंग में। तो टिकट का जो प्राइस था वो था आप कितना, 5 रुपये। अब इस 5 रुपये में टिकट का कितना प्राइस था, वो था आपका 5 रुपये। टिकट का 5 रुपये प्राइस था, जब टिकट के प्राइस को 20% कम कर दिया गया। अब देखिए 20% कम कर दिया, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया, इंट्रोडक्शन में क्या बताया, 10% कम मैंने बताया था, 10% कम का मतलब 90%। अब बताइए 20% कम का मतलब कितना, 20% कम का मतलब कितना, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप होती है 100%। 100 में से आप 20% कम कर दिए तो हो गया 80%। तो अब 5 का 80% कितना होगा, तो ये सब चीज़ को आपको रफ में करने की जरूरत नहीं है। 5 × 80/100, इसको आप माइंड में करिए, 20 × 120 कटेगा, और फिर आप इसको कर लीजिए 5 से 5 का, यानी कि 4, यानी कि 5 का 80% जो है वो होगा 4, या फिर 5 में आप 20% कम करिएगा तो कितना आएगा, 4 रुपये। तो इतना जो काम है आपको माइंडली करना है, और जब आप माइंडली करिएगा तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान बन जाएगी। तो 5 रुपये टिकट का प्राइस था, अब उसके प्राइस जो है वो 20% घट गया, तो उसका जो प्राइस है क्या हो गया, 4 रुपये।
अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे इंडिया में जो कि कम प्राइस को देख करके ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। जब प्राइस को कम करें तो ज़्यादा लोग गए, जब ज़्यादा लोग गए तो उसका जो धनराशि था, जितना उसको आमदनी होता था, उस आमदनी में उसको 44% वृद्धि हो गई। सिर्फ यही तीन डेटा दिया हुआ है, इस तीन डेटा पर कैसे आप पेंशन निकालिएगा, तो आइए हम लोग कुछ मान लेते हैं। अब देखिए, हम मानते हैं क्या कि जब उसका जो प्राइस था वो था 5 रुपये टिकट का प्राइस था, तो कुछ ना कुछ तो आदमी जाता होगा देखने के लिए। जब आदमी जा रहा देखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो उसके जो मालिक होगा, उसका जो ऑनर होगा, उसको कुछ ना कुछ तो रुपया आता होगा, रेवेन्यू आते हो, कितना आता होगा इस चीज़ को आप निकालिए। कैसे निकालिएगा, 5 रुपये टिकट का प्राइस है, अगर उस मेला को देखने के लिए 20 लोग जाते हैं तो उसको कितना आमदनी होगा, 20×5=100 रुपया। अगर उस मेले में जाते हैं एक्स आदमी तो कितना रुपया होगा, 5×x। तो आप किसी चीज़ को एक्स मान के ही बना सकते हैं और आप किसी चीज़ को 100 रुपये मान के ही बना सकते हैं, 100 एक यूनिट 100 लेके ही बना सकते हैं। लेकिन आप आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप 100 लेके बनाएं तो बेहतर होगा। हम मान लेते हैं क्या कि 5 रुपये जब टिकट का प्राइस था तो 100 आदमी जा रहा उस मेला को देखने के लिए। अब देखिए, 5 रुपये है टिकट का प्राइस, 100 आदमी गया उस मेला को देखने के लिए, तो अब आप बता सकते हैं कि कितना रुपया आमदनी हुआ होगा उसके ऑनर को। 100 से गुना करके कितना होगा, चलिए 500 रुपया। अब क्या होता है, जब टिकट का जो प्राइस है 5 रुपये से घट के हो गया 4 रुपये, फिर भी हमको पता नहीं कि कितना आदमी जा रहा देखने के लिए, लेकिन जो उसका जो आमदनी था पहले था 500 रुपये जो आमदनी था वो 44% बढ़ जाती है। मैंने आपको क्या सिखाया शुरू में, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%, 100% तो है ही, लेकिन वो 44% बढ़ गई, बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, अधिक हो गया, मतलब क्या उसमें ऐड करना है, प्लस करना है, 44% ज़्यादा मतलब 144%, तो इतना का 144% हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो अब आपको यहाँ से अब रुपया पता चल जाएगी, यहाँ से एक टिकट का प्राइस भी है, तो यहाँ पे कितने आदमी जा रहे हैं वो तो आपको आसानी से निकल जाएगी। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे ये कट गई, अब इसको गुना करिए, 5×20 = 5×14 = 75 × 72, यानी कि 720 रुपया उसको हो रहा है और एक टिकट का प्राइस है 4 रुपया, तो यहाँ पे कितने आदमी जा रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं, चलिए कुछ भी एक्स के आदमी, एक्स आदमी, तो अब एक्स बराबर क्या हो गया, रुपया में अगर हम एक टिकट के दाम से भाग दे देते हैं तो वही इसका आदमी का जो संख्या निकल जाएगी, 4 से कटेगा तो कितना आएगा, 18×72 यानी 180। तो अब देखिए, 180 आंसर नहीं है, 180 आंसर नहीं है, यही तो आपको लैंग्वेज में सीखना है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहे हैं, क्या हम लोग निकाल रहे हैं, 180। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जा रहा था 100 आदमी, अब जा रहा है 180 आदमी, यानी 100 पहले था 100 आदमी जा रहा था, अब 180 आदमी जा रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने आदमी यानी दर्शक की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो अब देखिए, वृद्धि गुने 100/बेस वैल्यू, कितना परसेंट बढ़ गया, यानी 100 में कितना परसेंट बढ़ गया, यानी 80 बढ़ गया, तो वृद्धि गुने 100 अब बट्टा बेस वैल्यू, बेस वैल्यू मतलब कि 100 लेना आपको बेस वैल्यू में, तो इससे ये कट गई, अब कितना हुआ 80, यानी कि 80% आदमी ज़्यादा जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है उस मेला को देखने के लिए। देखें कितना आसानी से मैंने आपको समझाया, जबकि ये इस चैप्टर का सबसे भारी से भारी क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, परसेंटेज चैप्टर में अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रहा। आपके सामने बहुत सारा इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे, इसके लिए आपने ट्रिक भी याद कर रखा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि आपको अगर आप ये क्वेश्चन बताते हैं तो कहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी या फिर कोई घर में जितना खर्च होता है अपने खर्च में, अपने खपत में यानी यूज में कितना परसेंट कम करे, कितना परसेंट कम करे कि उसका खर्च जो है पहले जितना ही रहे, उसका उसके रुपयों पर उस तेल की कीमत में वृद्धि का कोई असर ना हो, ऐसा आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है कि एक बार फिर से मैं आपको पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में कि अगर तेल की कीमत जो है 30% बढ़ जाती है तो कोई गृहिणी जो होता है, हाउस वाइफ होती है, वो कितना परसेंट अपने खपत को कम करे कि पहले जितना ही उसका खर्च रहे,
इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप लोग बनाइएगा, या फिर इस तरह के क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी दे सकता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कुछ दूसरे रूप में आपको पढ़ते हैं, मैं इसी क्वेश्चन को अब देखिए इसमें इसके जो ट्रिक होती है इसके लिए आप ट्रिक लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक कहाँ पे काम नहीं करेगा। इसी क्वेश्चन को घुमा के आपको दे सकता कुछ इस तरह से कि कोई गृहिणी जब तेल की कीमत जो है 30% बढ़ जाती है तो अपना खपत को कितना परसेंट को कम करें कि उसका खर्च जो है पहले से सिर्फ और सिर्फ 10% एक्स्ट्रा बढ़े। तो अब बोले इसके लिए कौन सा ट्रिक, या फिर इसी में 10% कम कर ले और 10% कम हो जाए तो इसके लिए कौन सा ट्रिक। ये सारे तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपको अगर आप हमारा इस तरीका को जानिएगा। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, सबसे पहले देखिए तेल का कीमत, कुछ ना कुछ तो उसका कीमत होगा, तेल कितना ना कितना रुपए किलो मिलता होगा, 50 रुपये मिले, 60 रुपये मिले, 80 रुपये मिले, 100 रुपये मिले, तो तेल का एक निश्चित कीमत होगा। तो हम मान लेते हैं क्या जो तेल का जो कीमत है वो तेल का कीमत है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो इसका तेल का कीमत है। और एक चीज़ और आप मान लीजिए कि एक महीने में वो 1 किलोग्राम तेल को खपत करती है, 1 किलोग्राम तेल वो खपत करती है, 1 किलोग्राम तेल वो खपत करती है, तो उसको कितना रुपये खर्च करना पड़ेगा तेल के लिए, 100 × 1 यानी कि 100 रुपये ही वो खर्च करना पड़ेगा। अब अगले महीने में क्या होता है, सरकार ने तेल का कीमत जो है 30% बढ़ा दिया, तो अब जो तेल मिलेगा 100 रुपये में 1 लीटर तेल, 1 किलो तेल, उस 1 किलो के लिए उसको कितना रुपये खर्च करना पड़ेगा, 30% बढ़ गया है, 30% एक्स्ट्रा हो गया है, तो हो गया तेल की कीमत कितना, 130 रुपया, यानी कि 100 बन गया कितना, 130 रुपया। इस तरह के क्वेश्चन के लिए अब देखिए 100 रुपया जो है वो बन गया है 130 रुपया। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या करना है, इस 130 रुपया को 100 रुपया के वैल्यू के लायक कन्वर्ट कर लेना है, यानी इस 130 रुपया में कितना रुपया का तेल उसको कम खरीदना पड़ेगा ताकि उसका जो खर्च है वो 100 रुपया ही रहेगा। अब देखिए 130 रुपये किलो तेल तो हो गया है, लेकिन उसको कितना खर्चा करना है, 100 रुपये का इसको तेल खरीदना है, तो क्या करना है कि 130 रुपये का जो तेल का जो वैल्यू है उस वैल्यू को कितना कम करेगा, उसको कम करके कितना, 30 रुपये का तेल वो कम खरीदेगा, यही बात है ना, 30 रुपये का तेल वो कम खरीदेगा। तो कमी 130 में से 30 रुपया कम कर दिए, तो कमी गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू, यानी इस 100 का तुलना किससे हो रहा है, इस 130 से हो रहा है, तो यहाँ बट्टा में 130। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या ट्रिक लगाया, कुछ भी ट्रिक नहीं लगाया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसा कर सकते थे कि अब मान लें कि तेल का जो कीमत है 100 रुपये किलो तेल है, अब एक गृहिणी जो है अपना खर्च को सिर्फ और सिर्फ तेल का कीमत 30% बढ़ गया लेकिन अपना खर्च वो 10% ही एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, 100 रुपये किलो पहले तेल था, 100 रुपये खर्च होते थे, लेकिन उसका उतना 130 खर्च करने का बजट नहीं था, लेकिन वो 10% एक्स्ट्रा खर्च कर सकती है, तो इसको 110 किया यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, 130 को हम बस 110 में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे 110 के पे 100 पे 110 लिख सकते थे, या फिर यहाँ पे जो भी डेटा हो उसको कर सकते थे, तो देख कितना आसानी से आपको बन जाएगा पूरा का पूरा। तो यही तरीका हम लोग अपनाते हैं और इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपली हम लोग बना देते हैं। तो 30 × 100 यहाँ पे क्या होगा, तो 300/13 इसका इक्वेशन याद है मुझे, मतलब इसका आंसर, मतलब आंसर नहीं, मैंने इस फ्रैक्शन को मैंने बहुत बार सॉल्व किया है तो मुझे याद हो गया है, यानी कि 23 × 1/13। चलिए एक चीज़ और मैं आपको याद करवा, इसमें अगर यहाँ पे 300/23 रहती तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, 13/1/23, इतना ये चीज़ याद कर लीजिए, ये बहुत जगह पे रिपीट होती है, तो मैंने बहुत जगह इसको पढ़ाया, मैंने बनाया तो मैंने मुझे याद था तो मैंने इसको लिख दिया, तो ये बिल्कुल सिंपली बन गया, सिंपली बन गया, कोई भी हमको ट्रिक वगैरह याद करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, और ये 100% सही भी होगा एग्जाम में, और इसी तरह से आपको बनाना भी है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, किसी और टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। एक क्वेश्चन, एक जो पुस्तक का जो कीमत है उसको पहले 25% घटाया जाए और फिर उसको 20% बढ़ाया जाए
तब बोलिए पुस्तक के जो कीमत है उसमें कितना परसेंट का डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले मान लीजिए उस पुस्तक का कीमत है कितना, आप इसको x पे ही बना सकते हैं और इसको 100 पे ही बना सकते हैं, लेकिन 100 पे बनाना बहुत आसान होती है। हम मान लेते हैं क्या उस जो पुस्तक है उस पुस्तक का कीमत कितना है, 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया, 100 रुपया उस पुस्तक का कीमत है। अब क्या बोला, इस 100 रुपये की पुस्तक को पहले इसको 25% घटाया, पहले इस 100 रुपये की पुस्तक को 25% कम किया, तो इसका कितना प्राइस हो गया, 25% कम किया, मतलब 25% कम किया यानी कि 75% इसका वैल्यू रह गया। कितना रह गया, चलिए 75% इसका हो गया वैल्यू। अब ये जो हो गया नया वैल्यू, अब इस नए वैल्यू को 20% बढ़ा दिया, 20% एक्स्ट्रा कर दिया। अब 75+20 करके 95% नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सबसे पहले ही कि कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%, ये भी तो अपने आप में 100% है ना। इसी 100% को 20% और बढ़ाना है, तो 100+20 यानी कि 120%। अब इसका वैल्यू निकालते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। इसका वैल्यू अगर हम निकालने चले, चलिए कट गई 20 से, 20 × 120 = 5 × 15 = 75। अब देखिए 15 × 90 यहाँ पर आ रहा कितना 90। अब देखिए इस जो पुस्तक जो पहले था उसका कीमत था 100 रुपया, यही था ना पुस्तक का कीमत 100 रुपया, अब उसका कीमत कितना हो रहा है 90 रुपया, यानी कि 100 जो है वो 90 बन गया है, यानी कितना परसेंट कम हुआ उस पुस्तक का वैल्यू यानी दाम, 10% की कमी आई है। देखिए कितना सिंपल था, बहुत आसानी बन गया। इसके लिए कोई भी मैंने ट्रिक वगैरह यूज नहीं किया, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग दूसरे एपिसोड में बाद बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए अभी इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका फिर हम लोग बाद बाकी क्वेश्चन जो है दूसरे एपिसोड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन का था क्या कि एक परीक्षार्थी जो है वो 40 अंक लाता है, किसी परीक्षा के पेपर में वो 40 अंक लाता है और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी कि फेल हो जाता है, और उसको पासिंग के लिए 40% नंबर ही चाहिए होगा। तो अब आप बताइए उसका फुल मार्क्स कितना था, फुल मार्क्स कितना था। बिल्कुल सिंपल था, जैसा क्वेश्चन का था वैसा ही करेंगे। एक परीक्षार्थी जो है वो 40 अंक लाता है, परसेंट नहीं 40 अंक लाता है, और उसको पास होने के लिए यानी वो 40 अंक से वो फेल भी हो जाता है, 40 अंक से वो फेल भी होता है, तो क्या करेंगे, 40 नंबर लाया है 40 अंक से फेल हो, मतलब उसको 40 नंबर और चाहिए था क्या करने के लिए, पास होने के लिए, यानी कि प्लस 40 और करेंगे, ये 40 हो गया 80, ये 80 नंबर अगर वो लाता तो हो जाता क्या, पास हो जाता। तो पासिंग मार्क कितना है, वो भी संयोग से 40% ही है। अब पासिंग मार्क जो है 40% है, अब 40% है पासिंग मार्क, अब परसेंट किसका है 40%, किसका परसेंट 40 मार्क, पासिंग मार्क यानी फुल मार्क्स का ही होता है पासिंग मार्क, तो फुल मार्क्स मान लेते उसका है एक्स, एक्स मान लीजिए उसका है फुल मार्क्स, तो एक्स का ही वो 40% नंबर यानी इसका है ये पासिंग मार्क, ये आपका बन गया इक्वेशन। तो 40 40 80 बराबर एक्स गुना 40/100। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, 40 × 40 40 × 80 यानी एक्स बराबर 100 × 200। तो परसेंटेज चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बिल्कुल आसानी से ही बनेगा, बिल्कुल आसानी से, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही था इस वीडियो में। अगर आप लोग हमारा मैथमेटिक्स का वीडियो कोचिंग लेना चाहते हैं, आप 20 दिन के अंदर पूरा मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं, तो स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप किसी एग्जाम्स की फुल तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा फुल सेट लीजिए मास्टर नोट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है, और इसको बस पढ़ लीजिए। 90% क्वेश्चन हमारे मास्टर नोट्स में से आते हैं, तो मास्टर नोट्स लीजिए, कोचिंग पढ़ने के लिए स्मार्ट वीडियो कोचिंग लीजिए, फिर आप देखिए कोई भी एग्जाम्स की आप आराम से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। किसी भी तरह कुछ भी सवाल हो तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कर लीजिए। आपके मन में किसी तरह का आपकी आपके पास कोई तरह का डाउट का क्वेश्चन हो तो वो भी हमें फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन निकाल करके इसी तरह से वीडियो बना के आपको यूट्यूब पर पब्लिश करके आपको हम बता देंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, आपके नाम के साथ हम इसको वीडियो को बनाएंगे। थैंक यू सो मच, आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।